दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी शोध और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म, समुदाय या विचारधारा का अनादर करना नहीं है। हम केवल ज्ञान और इतिहास की सही जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया इसे खुले मन से देखें और अपने विचारों को कमेंट में साझा जरूर करें। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो भारतीय इतिहास और संस्कृति से जुड़ा है। बौद्ध धर्म, जो कभी भारत में अपनी गहरी जड़ें जमा चुका था, आज अपने ही जन्म स्थान पर क्यों विलुप्त हो गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि बौद्ध धर्म धीरे धीरे भारत से लुप्त होता चला गया। साथ ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस धर्म से लोगों को क्या खतरा और क्या फायदा था, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या बौद्ध धर्म भगवान को नहीं मानता और इसके पीछे का कारण क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म, जिसे कभी भारत में अत्यधिक प्रतिष्ठा और मान्यता प्राप्त थी, अब अपने मूल देश में लगभग विलुप्त हो चुका है। यह एक बड़ा सवाल है कि भारत में जन्म लेने वाले इस धर्म को आखिर ऐसा क्या हुआ कि वह धीरे धीरे विलुप्त होता चला गया। इस वीडियो में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, साथ ही जानेंगे कि बौद्ध धर्म लोगों के लिए खतरा कैसे बना और इससे उन्हें क्या फायदा हो सकता था। दोस्तों, बौद्ध धर्म की शुरुआत भारत में महात्मा बुद्ध द्वारा की गई थी। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि संसार के दुखों से मुक्ति पाने का एक ही रास्ता है, आत्मज्ञान और अहिंसा। महात्मा बुद्ध के सिद्धांत अहिंसा, सत्य और करुणा पर आधारित थे। उन्होंने भगवान या ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किए और कर्म तथा धर्म के माध्यम से आत्मा की मुक्ति का रास्ता दिखाया। बौद्ध धर्म के भारत में विलुप्त होने का पहला राजनीतिक और सामाजिक कारण। बौद्ध धर्म के पतन का एक बड़ा कारण राजनीतिक था। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म चरम पर था, लेकिन उसके बाद के शासकों ने हिंदू धर्म को पुनः प्रतिष्ठित किया। गुप्त साम्राज्य के समय से हिंदू धर्म के पुनरुत्थान और बौद्ध धर्म के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण ने इसे हाशिए पर धकेल दिया। दूसरा कारण, संस्कृत और ब्राह्मणवाद का उत्थान। गुप्त काल में संस्कृत और ब्राह्मणवादी परंपराओं का पुनः उदय हुआ। बौद्ध धर्म, जो अधिकतर पाली और प्राकृत भाषाओं में प्रचलित था, इस संस्कृति से प्रभावित हुआ और धीरे धीरे धार्मिक संवाद से हट गया। तीसरा कारण, इस्लामिक आक्रमण। इस्लामिक आक्रमण के समय बौद्ध मठों और संस्थानों पर आक्रमण हुए, जिनसे बौद्ध धर्म को भारी क्षति पहुंची। आक्रमणकारियों ने मंदिरों और मठों को नष्ट किया, जिसके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म भारत में कमजोर हो गया। नंबर चार, विलय और सिंक्रेटिज्म। बौद्ध धर्म की कई शिक्षाएं हिंदू धर्म में समाहित हो गई। महात्मा बुद्ध को हिंदू धर्म में विष्णु का अवतार माना जाने लगा। इस धार्मिक विलय के कारण बौद्ध धर्म की एक स्वतंत्र पहचान कमजोर पड़ने लगी। बौद्ध धर्म से लोगों को क्या खतरा था? पहला, धार्मिक एकाधिकार को चुनौती। बौद्ध धर्म ने उस समय की ब्राह्मणवादी परंपराओं को चुनौती दी थी। बुद्ध के सिद्धांतों ने समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था, कर्मकांड और ईश्वर की अजेयता को नकार दिया था।
यह चुनौती उन लोगों के लिए खतरा बनी जो धर्म के नाम पर सामाजिक और आर्थिक नियंत्रण बनाए रखना चाहते थे। नंबर दो, आर्थिक और सामाजिक असंतुलन। बौद्ध धर्म ने मठों और भिक्षु जीवन को प्रोत्साहित किया, जहां भिक्षुओं को समाज के योगदान पर निर्भर रहना पड़ता था। इससे समाज में आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता था, क्योंकि खेती और उद्योग में काम करने वाले लोगों की संख्या कम हो सकती थी। बौद्ध धर्म का क्या फायदा हो सकता था? नंबर एक, अहिंसा और करुणा का प्रचार। बौद्ध धर्म ने हमेशा से अहिंसा और करुणा की शिक्षा दी है। यदि यह धर्म पूरी तरह से भारत में फला फूला होता, तो यह संभव था कि भारत में सामाजिक हिंसा, युद्ध और उत्पीड़न की घटनाएं कम होती। नंबर दो, समतावादी समाज। बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को नकारा और सभी लोगों के लिए समानता की वकालत की। अगर यह धर्म व्यापक रूप से अपनाया गया होता, तो भारत का समाज अधिक समतावादी हो सकता था। नंबर थ्री, मानसिक शांति और ध्यान का प्रचार। बौद्ध धर्म में ध्यान और मानसिक शांति पर बहुत जोर दिया जाता है। यदि यह व्यापक रूप से अपनाया गया होता, तो समाज में तनाव, चिंता और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आ सकती थी। बौद्ध धर्म और भगवान की मान्यता। बौद्ध धर्म में भगवान की पारंपरिक अवधारणा को स्वीकार नहीं किया जाता है। महात्मा बुद्ध ने भगवान या ईश्वर को सर्वोच्च सत्ता के रूप में नहीं माना, बल्कि उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर आत्मज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है। उन्होंने यह सिखाया कि संसार के दुखों का कारण व्यक्ति के अपने कर्म हैं और मुक्ति पाने का रास्ता भी व्यक्ति के हाथ में ही है। पहला रास्ता है भगवान की बजाय आत्मनिर्भरता। बौद्ध धर्म में भगवान की उपासना करने की बजाय आत्मनिर्भरता और ध्यान पर जोर दिया गया है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मुक्ति के लिए किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर होने की बजाय व्यक्ति को अपने भीतर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बौद्ध धर्म का मानना है कि हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। ईश्वर या किसी अन्य अलौकिक शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के अपने कर्म ही उसका भाग्य तय करते हैं। इसलिए भगवान पर निर्भर होने की बजाय अपने कर्मों को सुधारने की आवश्यकता होती है। बौद्ध धर्म, जो कभी भारत में प्रमुख धर्म था, अब अपने जन्म स्थान में लगभग समाप्त हो चुका है। इसका प्रमुख कारण राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिवर्तनों के साथ साथ आक्रमणों और संस्कृति का विलय है। बौद्ध धर्म ने जहां जाति व्यवस्था और धार्मिक कट्टरता को चुनौती दी, वहीं अहिंसा, करुणा और समतावादी समाज की नींव रखने का प्रयास किया। भगवान को न मानने के पीछे बौद्ध धर्म की आत्मनिर्भरता की शिक्षा छिपी है, जो व्यक्ति को अपने कर्मों पर विश्वास करने की प्रेरणा देती है। अगर बौद्ध धर्म का सही मायनों में प्रसार होता, तो शायद समाज में शांति, समता और सद्भाव की स्थिति अधिक होती। तो दोस्तों, यह थी बौद्ध धर्म के भारत से विलुप्त होने की कहानी और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलू। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से नई और उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर आप भी मानते हैं कि बौद्ध धर्म की शिक्षा, जैसे अहिंसा, करुणा और समानता, आज के समाज में भी महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप अपने विचार हमसे साझा करना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।